हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्रोन ट्रैवलर्स। और बी ब्लिंक के पहले पार्ट में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम लोगों ने पैराग्लाइडिंग और बी ब्लिंक के जितने भी हिडन और अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट प्लेस हैं, मैंने वो सारे सारे कवर किए। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस बार बारी थी जाने की एक ऐसे वाटरफॉल में जहाँ जाने के लिए आपको करना पड़ता है रिवर ट्रैक, वो भी ठंडे पानी के अंदर। भीड़ से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है गुनहेर गाँव, और वहाँ पे जाने के लिए आपको स्कूटी और मोटरसाइकिल रेंट पे भीर के अंदर मिल जाएगी, जिनका रेंट 800 रुपये से लगभग 1000 रुपये के बीच में है। तो बस फिर क्या था, हम लोग निकल गए अपनी नई मंजिल की ओर। बाइक के आधे घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुँच गए गुनहेर गांव। गुनहेर में अपनी बाइक को पार्क करने के बाद हम लोग कुछ कदम ही चले थे कि हमें दिखाई दिया गुनहेर वाटरफॉल। गुनहेर वाटरफॉल जो है वो मानसून के टाइम पे एक्टिव रहता है, अभी बहुत ही कम पानी था, और यहीं से स्टार्ट होता है आपका ट्रैक। तो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं बनगोडू वाटरफॉल पे, और इस ट्रैक पे हमारी हेल्प करेंगे हमारे गाइड विशाल। बनगोरू वाटरफॉल की स्पेशलिटी ये है कि ये जो ट्रैक है दो पार्ट में बटा हुआ है। पहले ट्रैक में आपको लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर खतरनाक पहाड़ियों के रास्ते चलते हुए पहुंचना पड़ता है रिवर की ओर, और फिर रिवर के ठंडे पानी में ट्रैक करते हुए जहाँ पे आपको मिलेगा ठंडा पानी, खतरनाक पत्थर और बड़े बड़े चट्टाने, जिनको पार करके आप पहुंचते हैं मेन वाटरफॉल की ओर। गाइस, बिल्कुल सामने है बंजी पॉइंट, आपको दिख रहा होगा। स्काई साइक्लिंग भी होती है वहाँ पे। गाइस, ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है, आप देख रहे होंगे। चलो बाजी बाजी दे, थोड़े इधर से पत्थर गिर सकता ना। गाइस, बहुत ही खतरनाक रास्ता था। इस खतरनाक रास्ते को देखते हुए हमारे एक साथी ने आगे जाने से मना कर दिया। हमने काफी समझाया उसको, बट उसने इनकार कर दिया आगे जाने से। फिर मैं और मेरे बाकी दो दोस्तों ने फैसला किया कि हम लोग आगे अपनी मंजिल को तय करेंगे। यहाँ से हमें ये पता चल चुका था कि ट्रैक काफ़ी खतरनाक होने वाला है। हम खतरनाक रास्तों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे, सीधे हाथ पे पहाड़, उसके नीचे नदी, और हमारा ट्रैक बहुत ही सुंदर दृश्य था। गाइस, पानी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो आई थिंक लगभग पहुँचने वाले हैं वाटरफॉल के पास। वो है। और यहाँ से हमें उतरना था नीचे की ओर, जहाँ से शुरू होता है रिवर ट्रैक। तो हम लोग बड़ी सावधानी के साथ नीचे उतरते रहे, काफ़ी खतरनाक रास्ता था। भैया, हम नीचे जाएंगे, इधर से नीचे, मतलब आप देख रहे हो नीचे, तो नीचे जाके रिवर ट्रैक होगा स्टार्ट आपका। अच्छा, तो अभी पहुंचते हैं वहाँ पे, और बाकी मेरे दोस्त अभी पीछे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पहुँचते ही आपको पानी की जो कल कल की आवाज़ सुनाई देगी, मैं दावा कर सकता हूँ कि आपके मन को मोह लेगी। अगर आपके वाटरप्रूफ शूज़ हैं तो आप उनको लेके जा सकते हैं, बट आगे आपको पानी जो है 2 से 2.5 फीट गहरा मिलेगा। बिल्कुल साफ पानी है यहाँ पे, पानी बहुत ठंडा होगा, पानी और आपको लेके जाता हूँ मेन पॉइंट पे।
दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है आपका रिवर ट्रैक। अब आप खुद ही देखना और फैसला लेना कि आपको यहाँ पे गाइड की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बट मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप गाइड को अपने साथ में जरूर लेके जाना। 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से गाइड आपकी फीस लेगा और आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, आपका सामान भी कैरी करेगा। गाइस बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता है, बट एक बार अगर आप यहाँ पहुँच गए तो काफ़ी इंजॉय करेंगे। ये रास्ते है आगे। वाटरफॉल की स्टार्टिंग है, हम पूरा ट्रैक करके आपको अपने शूज जो है वाटरफॉल के पास में रखने पड़ेंगे, जहाँ से आपको नंगे पैर ही आना है। और अगर आप गाइड की सर्विस लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपका अगर लगेज होगा उसको भी उठाएंगे वो लोग, तो गाइड सर्विस आप यहाँ पे लेंगे। और फाइनली हम लोग खतरनाक चट्टानों को, फिसलन वाले पत्थरों को पार करते हुए पहुंच गए मेन पनगोरू वाटरफॉल के पास। और यहां पहुंच के हमें एहसास हुआ कि कितना खूबसूरत वाटरफॉल है, हमारी सारी थकान दूर हो गई यहां पहुंच के। जितना मुश्किल यहाँ पहुँचना था उससे ज़्यादा मुश्किल था वापस पहुँचना, क्योंकि अब स्टार्ट होता है उतरना, जहाँ पे आपको खतरनाक रास्तों को दोबारा पार करते हुए पहुँचना होगा अपनी मंजिल की ओर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गाइड काफ़ी हेल्पफुल होंगे इस ट्रैक पे, तो आपको दिख ही रहा होगा, तो आप ट्रैक पे गाइड की हेल्प ज़रूर लेना। नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं। तो गाइज फाइनली हम लोगों ने बनगोड़ू वाटरफॉल को कवर किया, गाइड भाई थे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी हमारी, एक गाइड हमारे साथ में है। तो मेरी एक रिकमेंडेशन है आप लोगों से, आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो गाइड की हेल्प आप जरूर लेना, आपकी सेफ्टी का पूरा इंश्योर करेंगे वो, आपके सामान को भी साथ में लाने में कैरी करने में हेल्प करेंगे। तो सर थैंक यू सो मच, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर से? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी आएंगे मतलब तो गाइड लेके आए, बिना गाइड से कोई ना जाए, क्योंकि मतलब आगे काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर भी है तो आपने देखा भी है और रिस्क भी है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। तो गाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली है भाई ने,
कि आप अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए। एडवेंचर इंपॉर्टेंट है बट सेफ्टी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो आप गाइड को जरूर लीजिए, आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आगे। काफ़ी डिफिकल्ट आपको हाइकिंग पॉइंट्स आएंगे जहाँ को चढ़ना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, पथरीले पत्थर हैं, नुकीले और नुकीले भी हैं और काफ़ी चिकने वाले पत्थर भी हैं। तो थैंक यू सो मच। बन गोरु वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी थी सबसे मुश्किल काम को करने की, और वो था अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट परचेज करना। बिलिंग की चौगान मार्केट में आपको काफ़ी शॉप मिल जाएंगी जहाँ पे आप लोग विंटर्स के कपड़े और सोविनर वगैरह परचेज कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ऑफिस के कुलीग्स के लिए। और साथ ही साथ मैं एक शॉप में गया था, मुझे काफ़ी वो शॉप अच्छी लगी थी क्योंकि यहाँ पे जो बुद्धिज़्म कल्चर है, उनके जो एथनिक कपड़े हैं वो यहाँ पे बनते हैं, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इनके पास। और जो नैनयांग मॉनेस्ट्री के जो गुरुजी हैं उनके कपड़े भी यहीं पे स्टिच होते हैं। अब बात करते हैं बीर ब्लिंग की नाइट लाइफ की। ती लैंडिंग साइट के पास आपको काफ़ी कैफेज मिल जाएंगे जहाँ पे म्यूजिकल फेस्ट वगैरह भी ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, तो आप अपनी चॉइस और बजट के अकॉर्डिंग में कोई भी कैफ़े को आप चूज़ कर सकते हैं। हमने दो दिन कैफेज़ में डिनर वगैरह किया था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी डिनर की। थोड़ा टाइम डिले था क्योंकि काफ़ी क्राउड था, तो आप लोग नाइट में जाके कैफेज़ में जाके म्यूजिकल फेस्ट को भी इंजॉय कर सकते हैं। अब बारी थी इस पंछी के अपने घर की और वापस जाने की, और आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नई जगह पे एक नए ब्लॉग के साथ। आप देखते रहिए ड्रोन ट्रैवलर्स।